कि कौन सा सेलिब्रिटीज नहीं आया। टू गुड है गाइस, टू गुड, बहुत मजा आ रहा है, जन्नत है गाइस, ये मतलब ये बाप ऑफ बटर चिकन है गाइस। तो दोस्तों, दिल्ली में अगर बटर चिकन की बात की जाए, एक ही नाम जुबान पे आता है और वो है मोती महल। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि ना ही अपने बटर चिकन बल्कि अपने अलग अलग जायकों के लिए इतने मशहूर है। दुनिया के बेहतरीन शेफ और बड़ी बड़ी हस्तियां भी इनके जायके की कायल हैं। दोस्तों, चलते अंदर, मिलाते हैं इनके ओनर से, होते हैं इनसे रूबरू और टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। चलिए मेरे साथ। तो मिलाते हैं इनके ओनर से और पूछते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद चड्डा है। विनोद चड्डा, ओके। अंकल, कुछ बताइए अपनी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में ऐसा है कि ये कुंदन लाल जी से 90 में हम लोगों ने रेंटेड राइट्स खरीदे थे। ओके। जैसे ये आसमान पे चढ़ा हुआ था, वैसे ही मैंने खंडर खरीदा था। ओके। और मैं दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है होटल मैनेजमेंट से और एडवांस मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ ऑस्ट्रिया से। ओके। मैंने उसी पैटर्न पे इसको रन करने की कोशिश की जो कि मेरी अपनी रेसिपी और सारी रेसिपी का गवाह ये सारे अवार्ड हैं, ये सारे 90s के बाद मिले हुए हैं। यहीं से तंदूरी चिकन, परा कबाब, बटर चिकन, चिकन टिक्का और केसरी फिश टिक्का और दाल मखनी यहाँ से ही इन्वेंट हुई है, जो कि एक गॉर्डन रामसे वर्ल्ड के नंबर वन शेफ है। ये यहाँ से मैं ही इसे कर रहा हूँ अपने किचन के अंदर और इसकी वर्ल्ड में कोई ब्रांच नहीं है। जो मोती महल है, सब कोई आगे कुछ लगा रहा है, पीछे कुछ लगा रहा है, मतलब एक्चुअल मोती महल है। मैं समझ गया, जो लोग यूज कर रहे हैं आपके नाम को, वो एक्चुअली आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना उनसे कुछ नहीं है। अच्छा। हमने क्लियरली अपने बोर्ड पे मेंशन किया है, वी हैव नो अदर ब्रांच, अपने बिल पे किया है और हाँ मेन्यू पे किया है, क्योंकि किसी को गलत फहमी ना, तो लोगों को, कईयों को गलत फहमी है जो कि मोती महल समझ के कहीं कहीं जगह जाते हैं। Okay. और यहाँ पर सारे डिग्निटरी और पॉलिटिशियन सब आ और इस रेस्टोरेंट की प्रेज कर रहे हैं, जो कि रिव्यूज में आप देख सकते हैं। तो अंकल, अगर मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं, तो कौन कौन सेलिब्रिटीज आपके यहाँ पर आए हैं अभी तक? कि कौन सा सेलिब्रिटीज नहीं आया? अच्छा, नहीं आया तो वो बता दीजिए कौन सा सेलिब्रिटी नहीं आया। सारे सेलिब्रिटीज आए। और अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूँ? सारे ही आए हैं, दिल्ली के पॉलिटिशियंस और बीजेपी के सारे ही पॉलिटिशियंस आए हैं। अच्छा, सारे आए हैं आपके पास। जी। तो अंकल, मुझे एक बात बताइए कि आपके जो ये जिस बटर चिकन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिसको आपने इन्वेंट किया है, तो उसको उसमें ऐसा क्या अलग है कि दूसरे लोगों से उसको अलग बनाता है वो? वो यूनिक खाना देते हैं हम, जो उसके अंदर ताले हैं वो हम आप डिस्क्लोज नहीं करते। वो आपके सीक्रेट है? वो सीक्रेट, तो वो मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि सीक्रेट को सीक्रेट ही रहना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। और अंकल, अगर मैं बटर चिकन के अलावा आपसे बात करूँ, और आपका स्पेशल क्या है बटर चिकन के अलावा? आप ड्राई में पूछना चाहते हैं, बारबेक्यू? पहले अंकल आप मुझे ग्रेवी में बताइए। ग्रेवी में मुर्ग मसलम है। अच्छा। और मुर्ग पंजाब का मसाला है। ओके। और रोगन जोश है, गाढ़ा मीट है। Okay. ये बहुत चलते हैं। अच्छा। दाल मखनी चलती है, कढ़ाई पनीर चलता है। Okay. हाँ, अभी हम बारबेक्यू में नहीं आए, तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम ड्राई की बात करें? ड्राई की बात करें तो उसमें तंदूरी चिकन, बरा कबाब, चिकन टिक्का, केसरी फिश टिक्का, रियाली कबाब। आपको कितना साल हो गए यहाँ पे दरियागंज में? इसको 30 साल। जो बटर चिकन लवर्स होते हैं वो यहाँ एक बार जरूर आएगा। जी जी, क्योंकि जब आप ही ने उसको इन्वेंट किया, तो आपसे अच्छा कौन बनाएगा? जी जी, आते हैं जरूर। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम भी इसीलिए आए हैं आज आपके पास कि अपनी ऑडियंस को बटर चिकन से रूबरू करा सकें और टेस्ट करके उनको बताएं कैसा है। जी जी। बाकी एक दो आइटम्स और भी आपकी ट्राई करेंगे जरूर। जी जी। तो दोस्तों, चलते हैं अंकल के साथ एक बारी और आपको दिखाते हैं लाइव मेकिंग इनकी की स्पेशल आइटम्स की, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इनकी किचन में मोती महल की, और जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रॉपर हाइजीन का ध्यान दिया जा रहा है इनकी किचन में। यूजली बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की अगर मैं किचन में जाता हूँ, तो बहुत मेसी लगती है मुझे किचन, बट अगर आप इनकी किचन देखिए तो इतनी साफ सुथरी है। इनके अगर मैं शेफ की बात करूँ, सबने मास्क भी लगा रखे हैं, तो पूरा प्रॉपर कोविड का गाइडलाइंस का ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। बात करते हैं इनके शेफ से और देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं हमारे लिए। तो दिखाते हैं आपको लाइव कुकिंग इनकी, फिर टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो दोस्तों, ये अब हमारा चिकन टिक्का लगने जा रहा है इनका, जो इनकी एक और मशहूर आइटम है। तो अंकल से पूछते हैं कि कैसे इसकी मैरिनेशन होती है, कितना टाइम लगता है? तो अंकल, कितना टाइम लगता है इसमें? तो 24 घंटे इसको मैरिनेट करते हैं हम, और फिर इसको हम
बर्फ में लगा। अच्छा हाँ, इसको फ्रिज में नहीं रखा जाता, बर्फ में लगा, जो के अच्छा टेस्ट देता। अब इसके बाद आप हमारा क्या लगाएंगे अंकल? केसरी फिश टिक्का लगेगा। अच्छा, इसके बाद अब केसरी फिश टिक्का। ओके हाँ जी, केसरी फिश टिक्का है। 18 घंटे हम मैरिनेट करते हैं। 18 घंटे फिश को मैरिनेट करके इसके अंदर हम सोल फिश यूज करते हैं, जो की दी बेस्ट। हाँ, मतलब मैं अगर फिश क्वालिटी की बात करूँ तो सोल इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द फिश। तो दोस्तों, ये है इनका चिकन टिक्का। केसरी फिश टिक्का हो गया और इनका चिकन टिक्का, इसकी मैरिनेशन मैंने अभी तक आपको दिखाई है। तो ये अब हमारा तंदूरी चिकन आ गया है, जो कि प्री मैरिनेटेड होता है 36 घंटे से। तो दोस्तों, मुझे चीज यहाँ की बहुत अच्छी लगी। ये चीजें प्री मैरिनेटेड होती हैं, 18 घंटे 36 घंटे पहले प्री मैरिनेटेड होती हैं, और ये लोग इनको हाफ डन भी नहीं करके रखते, क्योंकि हाफ डन से एक चीज नोटिस करी है बीइंग अ फूडी, कि वो जो जूसीनेस होती है और वो जो एक टेस्ट आता है वो चला जाता है। जो फ्रेश का टेस्ट होता है उसकी बात ही अलग होती है, जो कि बहुत अच्छी बात मुझे लगी यहाँ की। अब ये इसको लगा के ये तंदूर में इसको सेकेंगे, तो लगाते हैं इसको तंदूर में। अब दोस्तों, ये हमारा तंदूरी चिकन, ये हमारा चिकन टिक्का और ये हमारी फिश रेडी हो गई है। के बाद अब हम चलते हैं बटर चिकन के सेक्शन पे। तो दोस्तों, ये हमारी बटर चिकन की मेकिंग शुरू हो रही है। तो भैया, ये क्या डाला आपने? टमाटो प्यूरी है। फ्रेश टमाटो डाले जाते हैं, वो 26 घंटे सिमर करते हैं। ओके, उसके बाद ये टमाटो प्यूरी बनी हुई है। तो ये अंकल, अभी आप नमक डाला इन्होंने? हाँ जी, नमक डाला, थोड़ी चीनी डाला। अच्छा, थोड़ी चीनी, वो खट्टा मीठा फ्लेवर आने के लिए। खट्टा मीठा फ्लेवर आने के, ये आपने डाली देगी मिर्च? यूनिक बटर चिकन जो की दिया जाता है, वो इस तरीके से दिया जाता है। तो अंकल, एक्चुअली जो मसाले आपके डलते हैं इसमें, जो सीक्रेट मसाले होते हैं, वो ग्रेवी, आप पहले से ग्रेवी में उसको डाले रखते हो? जब फ्रेश टमाटोज रखे जाते हैं ना, उसमें ही डाल दिए। अच्छा, उसी में डाल दिए जाते हैं? जी हाँ जी हाँ जी, वो भी 26 घंटे सिमर करते रहते हैं उसके साथ। ओके ओके, तो ये अब आपने डाल दिए चिकन के पीसेस? चिकन के पीसेस डाल दिए। ओके, तंदूरी जो चिकन था? जी जी। गाइस, बहुत ही यमी लग रहा है चिकन मुझे तो, और क्या इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, खट्टा मीठा फ्लेवर आ रहा है। अभी बटर डलने दीजिए, फिर उसके बाद क्रीम डलने दीजिए, फिर देखिए इसका अरोमा, इतना बढ़िया अरोमा आएगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं अंकल, वो तो मुझे अभी से अरोमा आना शुरू हो गया, मैं फील कर रहा हूँ उस अरोमा को। ऑलरेडी इसमें मसाले पड़े हुए हैं, इसलिए ये अरोमा आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसका। हाँ जी हाँ जी। और गाइस, जैसे आप कलर देख सकते हैं इसका, एक प्रॉपर जो बटर चिकन का कलर होता है वही कलर आ रहा है इसका। एग्जैक्टली, जब चीजें पड़ जाएंगी तो उसके बाद इसका कलर बिल्कुल पिंक आ जाए। ओके जी हाँ। और इसमें अंकल बटर कौन सा यूज करते हैं? अमूल बटर यूज करते हैं। अच्छा, अमूल बटर का यूज होता है। अमूल बटर यूज करते और मक्खन के साथ ग्रेवी थोड़ी सी सिमर करवा रहे हैं, ताकि वो अच्छी तरह उससे मिल जाए, बिल्कुल ग्रेवी से मिक्स हो जाए। जी हाँ जी हाँ जी। अब ये डाली जाएगी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम के? ये प्योर फ्रेश क्रीम है। अच्छा, प्योर फ्रेश क्रीम होती है। जी हाँ जी, जो आप कलर देखते रहेंगे अब ऑटोमेटिकली पिंक आ जाएगा। लुक एट द कलर गाइस, कैसे चेंज हुए कलर आफ्टर क्रीम एंड बटर, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। आई होप आपको देख के भी बहुत मन कर रहा होगा इसे खाने का। तो जल्दी आइए गाइस मोती महल में और एंजॉय कीजिए ट्रेडिशनल बटर चिकन। तो ये हमारा बटर चिकन रेडी हो चुका है गाइस, चलते हैं अब अंदर रेस्टोरेंट में इनके फाइन डाइनिंग में और टेस्ट करके आपको बताते हैं सारी आइटम्स कैसी है। तो दोस्तों, ये अब हमारा आ चुका है वर्ल्ड बेस्ट खाना, बताते हैं आपको क्या क्या आइटम्स है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड फेमस इनका बटर चिकन, जिसकी इन्वेंशन ही यहीं से हुई है वर्ल्ड में। तो लुक एट द कलर गाइस, रंगत देखिए इस बटर चिकन की। अगर मैं खुशबू की बात करूं तो गाइस, मैं तो दीवाना हो गया इसकी खुशबू का, खा के आपको बताएंगे कैसा है। तो ये इनका मटन बर्रा, लुक एट द कलर गाइस, बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी लग रहा है, बाकी खा के पता चलेगा कैसा है। अगर इसकी बात करें तो ये भी इनकी इन्वेंशन है, इनका तंदूरी चिकन, जो कि बहुत जूसी लग रहा है मुझे अभी तक तो, बाकी खा के बताएंगे इसको भी कैसा है। और ये इनकी एक और मशहूर आइटम जो कि है फिश टिक्का, जो कि आपको पहले हमने मेकिंग में बताया था कि सोल फिश यूज की जाती है। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही अच्छी है भी। ये इनका चिकन टिक्का गाइस, जो कि हमने एक बोनलेस आइटम मंगवाई है, हालांकि मैरिनेशन इसकी और तंदूरी की सेम होती है। करते हैं गाइस फ्राई करके, पहले मैं इनकी ड्राई आइटम फ्राई करता हूं गाइस, और एक एक करके पहले मैं इनका लेता हूं चिकन टिक्का, उसके बाद फिर इनकी लेते हैं ये फिश, इनका ये लेते हैं मटन बर्रा, ये फेमस तंदूरी चिकन, थोड़ा सा हम इनकी सैलड भी ले लेते हैं, इनके ये जो ऑनियंस होते हैं सिरके वाले नॉर्मल। तो गाइज, मैं आपको ये एक करके ट्राई करके बताता हूँ कैसे खाने में। स्टार्ट करते हैं गाइज हम इनके फिश टिक्का से। देखिए गाइज, कितनी सॉफ्ट फिश है। सोल फिश तो होती ही सॉफ्ट है, बट सारा कमाल होता है मैरिनेशन का। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो ये मैं इनकी चटनी ले लेता हूं पुदीने और धनिया की।
बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है गाइस फिश का, बहुत सॉफ्ट है। वो होनी थी क्योंकि ये सोल फिश यूज करते हैं, तो बहुत अच्छी है ये आइटम उनकी। और अब इनका ट्राई करते हैं चिकन टिक्का, जो कि सेम मैरिनेशन यूज होती है जो इनके तंदूरी चिकन, जो इनका वर्ल्ड फेमस तंदूरी है उसमें, तो ये भी ट्राई करके आपको बताऊँ। ये बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इसके बाद हम आते हैं उनके मटन बर्रा में, जो कि अकॉर्डिंग टू चड्डा साहब बहुत अच्छी डिश है इनकी है, तो ये आपको ट्राई करके बताते हैं गाइस। टू गुड है गाइस, टू गुड, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही टेंडर है गाइस इनके मटन बर्रा, ये बिल्कुल भी ओवर कुक्ड नहीं है, प्रॉपर गला हुआ है। और जो ये मीट यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, तभी शायद इसका स्वाद इतना उमदा हो सकता है अगर आप हर चीज़ क्वालिटी यूज़ करो। तो गाइस अब हम आते हैं इनका वर्ल्ड फेमस और इनकी इन्वेंशन इनका तंदूरी चिकन, तो ये भी ट्राई करके देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया गाइस। अगेन गाइस मैं यही बात बोलूंगा आपको, सारा कमाल मैरिनेशन का है। 36 घंटे तक ये इसको मैरिनेट करके रखते हैं, तब जाके ये इसको सर्व करते हैं लोगों में, और फ्रेश होता है ये, हाफ डन भी नहीं करते इसको। तो मेरे हिसाब से इनके अभी तक के जितने भी मैंने स्नैक्स खाए हैं सारे के सारे मेरी रिकमेंडेशन की लिस्ट में आते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनका मटन बर्रा, जो कि बहुत ही जूसी है और मीट लवर्स विल लव इट, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका गाइस। मेरी रिकमेंडेशन की लिस्ट में टॉप पे है ये मटन बर्रा। देन गाइस इनका तंदूरी चिकन, आई मीन एज एक्सपेक्टेड ये तो अच्छा होना ही है क्योंकि इसी के लिए ये बहुत फेमस है। इनकी जो ये फिश है गाइस ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम इनका बटर चिकन और दाल मखनी, जब भी आपको स्नैक्स खाने हैं तो आप ये 3-4 आइटम जरूर मंगवाएं, यू विल लव इट, ट्रस्ट मी, यू विल लव इट, बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा। दोस्तों अब हम आते हैं मेन कोर्स के पार्ट पे, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला ये वाला पार्ट, क्योंकि जिसके लिए मैं आया था तो मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। तो गाइस ये इनका बटर चिकन, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट रहता है जब भी मैं मेन कोर्स की बात करूँ। करते हैं गाइस इनका ट्राई, बस ट्राई करते हैं पहले इनका बटर चिकन, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ये ले लिया मैंने गाइस लच्छा परांठा, मैं इसकी तारीफ में क्या बोलूँ, मतलब मोती महल का बटर चिकन नाम ही काफी होता है। तो गाइज एज एक्सपेक्टेड जन्नत है गाइज, ये मतलब ये बाप ऑफ बटर चिकन है गाइज। अगर ये चीज किसी ने इन्वेंट करी है और फिर लोगों ने इस डिश को फॉलो करा है, तो इसका मतलब इस बटर चिकन में वाकई कुछ होगा कि लोग इसको दूर दूर से खाने आते हैं यहाँ पे, और सेलिब्रिटीज खाने आते हैं यहाँ पे दूर दूर से। ट्रस्ट मी गाइज ये मस्ट ट्राई आइटम है मेन कोर्स में, जब भी आप आए मोती महल तो बटर चिकन जरूर ट्राई कीजिएगा गाइज, बहुत बढ़िया, बहुत उमदा। अगर मैं टेस्ट की करूं, एक खट्टा सा फ्लेवर आ रहा है और एक मीठा सा फ्लेवर आ रहा है, जो एक्चुअल में एक बटर चिकन में आना चाहिए, क्योंकि कई जगह मैं देखता हूं कि बटर चिकन कुछ स्पाइसी होता है या फिर बहुत ज्यादा मीठा होता है या बहुत ज्यादा खट्टा होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक खट्टा फ्लेवर भी आ रहा है और एक मीठा फ्लेवर भी आ रहा है, जो कि इसके फ्लेवर को और उम्दा बना रहा है। आइए आप भी जरूर मोती महल एंजॉय कीजिए इनका बटर चिकन और इनके स्नैक्स। तो दोस्तों अब आते हैं इनके दाल मखनी के पार्ट पे, जो कि इनकी एक और इन्वेंशन है। एक बारी इसको लेते हैं और इसको ट्राई करके बताते हैं, और इसकी थोड़ी प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं कि कैसे बनती है ये। आप बताओ मुझे कि कैसे तैयार होती है और कैसे रेडी होती है ये। ये दाल को लेते हैं हम, दाल को लेके पानी में डाल के सोक करते हैं। ओके, ओवरनाइट। ओवरनाइट 12-14 घंटे के अंदर इसके अंदर सरसों का तेल डालते हैं, सरसों के तेल से इसकी हाथ से मालिश करते हैं। ओके, मालिश करने के बाद इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के इसको तंदूर पे 26 घंटे के लिए रख देते हैं, और फिर इसमें दूध डाल। 26 घंटे तक तंदूर में पकती है, सिमर होती है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है 26 घंटे। हाँ जी, सिमर होती है मसालों के साथ। ओके जी हाँ, और उसके बाद फिर इसको हम सर्व करने के लिए तैयार। तो इसमें भी आपके सीक्रेट मसाले? सीक्रेट मसाले साथ ही डाल दिए जाते हैं। Okay. दूध के साथ ही। अच्छा, वो दूध के साथ, दूध और पानी। चलो अंकल मैं ट्राई करता हूँ आपकी दाल मखनी एक बारी, आप देखिए कैसी लगी आपको। नहीं मैं ऑब्वियसली, अब आपने इतनी बड़ी बात बोली है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी, फिर भी खा के अपने ऑडियंस को बताते हैं। बहुत बढ़िया है गाइस, जैसे अंकल ने कहा कि इसको 26 घंटे तक पकाया जाता है, वो भी तंदूर में। तो गाइस बहुत ही अच्छी दाल है, मतलब अगर मैं बात करूं इसके टेस्ट की तो बहुत उम्दा टेस्ट आ रहा है। मतलब मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे हमारे घर में हमारी माँ हमारी दाल बनाती थी, तो वैसी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फीलिंग नहीं है इस दाल में। बहुत ही अच्छी दाल है, बहुत प्रॉपर पकी हुई है। अंकल अगर मैं और डिशेस की बात करूं वेज में आपके, तो क्या क्या सर्व करते हैं आप? कढ़ाई पनीर है, पालक पनीर है, ओके, पनीर है,
ओके तो उसमें अंकल सारा आपकी जो प्रिपरेशन होती है ये देसी घी में होती है या फिर नॉर्मल में होती है? अच्छा, सारी प्रिपरेशन आपकी देसी घी में। तो गाइस जैसे अंकल ने बताया कि सारी प्रिपरेशन इनकी देसी घी में होती है, आप भी आ सकते हैं। वेज लवर्स और नॉन वेज लवर्स के लिए तो गाइस हेवन है ये। मतलब मुझे नहीं लगता कि पुरानी दिल्ली में आपको इससे अच्छा नॉन वेज मिलेगा। बहुत ही अच्छी डिशेज है गाइस, आप भी आइए यहाँ पे दरियागंज में। कभी भी अगर आपको कुछ इनका स्पेशल मंगवाना है, मैं इनका नंबर और इनका एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस आप कभी भी, अगर आपको मिनिमम ऑर्डर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, आपको जितना मंगवाना है आप इनसे कॉल करके मंगवा सकते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। घर बैठे बैठे अगर आपको ऐसा बटर चिकन और ऐसी डिशेस मिल जाए तो क्या ही बात है। गाइस अगर वाकई में आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।